तो आइए अब हम चलते हैं रोमियो अध्याय 14 में, वचन नंबर 17 में। ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा वचन है, लेकिन इसका संदर्भ बड़ी गड़बड़ी में लेकर आता है। अलग अलग तरह के भोजन के बारे में जो विश्वासी खा सकते हैं, और पुराने नियम में बहुत सी रुकावटें थी, लेकिन अब सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा और अन्य जातियों के खाने की आदतें बहुत ही अलग हैं। और फिर अचानक यहाँ पर पौलुस इस परिस्थिति के बारे में बताता है, और इन सारी बातचीत के बीच में वो यहाँ पर अधिकार के सिद्धांत के बारे में हमें बताता है। रोमियो अध्याय 14 वचन नंबर 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अब यहाँ पर वो इस बात पर जोर देता है, विश्वासियों के लिए, किसी सामान्य मनुष्य के लिए नहीं, कहीं और के लिए नहीं, लेकिन रोम की कलीसिया के विश्वासी के लिए। और वो उससे कहता है कि जो दूसरी बातें हैं उनकी ओर गौर मत करते जाओ, लेकिन सबसे मुख्य भाग में आ जाओ, और परमेश्वर का राज्य तो है धार्मिकता, शांति या मेल मिलाप और पवित्र आत्मा में आनंद। परमेश्वर का राज्य तो उसके सिद्धांतों के अनुसार चलता है। और जिस पल आप कहते हैं परमेश्वर का राज्य, तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब तो परमेश्वर की सरकार। इसमें राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह राजा है। और राज्य मतलब उस राजा की अधीनता का साम्राज्य। परमेश्वर की सरकार, प्रभु के राज्य का मतलब परमेश्वर की सरकार। मत्ती रचित सुसमाचार में यहां पर आप इसी से मिलता जुलता शब्द पाएंगे, और वो है स्वर्ग का राज्य। यानी स्वर्ग का राज्य, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सिद्धांत जो स्वर्ग पर राज्य करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर आप पाएंगे कि परमेश्वर की सरकार लाई जाती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर पहले से ही एक और शासन है, और वो तो शैतान का शासन है। दूसरा कुरंथियों 4:4 बताता है कि शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है, यानी एक शासन पहले से यहां पर राज्य कर रहा है। और यूहन्ना 14:30 संसार के सरदार के बारे में फिर से कहता है, लेकिन अब यीशु यहां पर आता है और आपको ये कहता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ दी है। ये तो उस शासन के ऊपर में जो कि पहले से अस्तित्व में है, ये हमें शासन देता है, परमेश्वर के राज्य का शासन, यानी यह हमारा अपना शासन हमें देता है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 3 में आपको अपनी बाइबल में ध्यान से देखना होगा, यीशु ने निकुदमुस से कहा, और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में कह रहा था, जहां पर उसने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के शासन को देख नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा शैतान के शासन को देखते रहेगा, क्योंकि वो तो शैतान के शासन में है। इसलिए उसे नया जन्म लेना ही होगा कि वो शैतान के शासन में से बाहर आ जाए, ताकि वो देख सके कि वो परमेश्वर के शासन को देख सके। आपको दी जाती है, जब आप नया जन्म पाते हैं तो आपको दी जाती है ये योग्यता कि देखें, केवल देखें परमेश्वर के शासन को। फिर वो कहता है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, ये तो एक अलग बात है कि आप परमेश्वर के राज्य को देखते हैं, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ये तो अलग बात है। मूसा से पूछिए, वो आपको बताएगा कि क्या फर्क है प्रतिज्ञा के देश को देखने में और उसमें प्रवेश करने में। और यहां पर परमेश्वर आपसे कहता है, जब आप नया जन्म पाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, परमेश्वर के शासन को, जब आप जल से जन्म लेते हैं जो कि परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा से, तब आप प्रवेश करते हैं और आप तो परमेश्वर के साथ में सहकर्मी हो जाते हैं। पहला कुरंथियों 3:9 कहता है कि आप तो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और सबसे अच्छा भाग यह है कि आप परमेश्वर के शासन में काम करने वाले हो जाते हैं।
प्रभावी रूप में इसको जोर में लाने वाले हैं, प्रभाव में लाने वाले हैं। धार्मिकता, शांति और आनंद को आपके संबंध में हर एक परिस्थिति में ही। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम्हें प्रेरित होने की जरूरत नहीं, भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं, पास्टर होने की जरूरत नहीं, और न शिक्षक होने की जरूरत है, और न ही प्रचारक होने की जरूरत है कि इसको प्रभावी करें। लेकिन आप परमेश्वर के शासन को कार्यशील करने वाले हैं। इसके लिए दो जरूरी बातें हैं। एक तो है कि परमेश्वर के शासन को देखने के लिए आपको नया जन्म पाना है, और नंबर दो कि आपको पानी से जन्म लेना है, परमेश्वर की आत्मा से, कि परमेश्वर के शासन में काम करने वाले हो जाए। आमेन। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि अगर आपने पानी से बपतिस्मा लिया है तो आप परमेश्वर के शासन में काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पानी का बपतिस्मा लिया इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकते हैं। इसे जल से धोया जाना कहते हैं, यानी परमेश्वर का वचन, जो कि आपका हर एक विचार है, जहां पर आपकी हर एक यादें परमेश्वर के वचन से मिलती हैं। पानी के बपतिस्मे में जाने से ऐसे ही नहीं होता है। बहुत से लोगों में इस तरह के गलत विचार होते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया है तो परमेश्वर के शासन में काम कर सकते हैं। नहीं, यह ऐसे काम नहीं करता है। आप अन्य भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु के शासन में काम कर सकते हैं। इसके लिए सबूत तो होने चाहिए। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उनसे कहा कि मुझे अपने पश्चाताप के फल दिखाओ, गलातियों 5 में बताता है कि तुम मुझे आत्मा के फल दिखाओ, परीक्षा के समय में, आराम के, विश्राम के समय में नहीं, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए। जब सारी बातें आपके विरुद्ध में हैं तो आत्मा की बातें कहां पर रह गई हैं? परमेश्वर का शासन तो यीशु मसीह के द्वारा लाया जाता है। रोमियो अध्याय 14:17, यहां पर 3 बातें हैं जो कि परमेश्वर के शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है धार्मिकता, दूसरा है शांति, और तीसरा है आनंद, वो भी पवित्र आत्मा में। शैतान जो ऐसा शासन चलाता है जो कि परमेश्वर के शासन के विरुद्ध में है, वो हमेशा ज्यादा समय काम करते चले जाता है। अगर सबसे कोई व्यस्त है तो वो तो शैतान है। वो तो हमेशा ओवर टाइम काम करता है, और वो हमेशा यही चाहता है कि अधर्म प्रबल होते जाए। वो चाहता है कि गड़बड़ी ही प्रबल होते चली जाए। वो चाहता है कि केवल दुख और निराशा ही प्रबल होते जाए, और ये तो पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़ते चली जा रही है। जब तक कि परमेश्वर का ये शासन भीतर ना आ जाए, और ये शासन तो आप हैं, आप इसमें काम करने वाले हैं। अधर्म तो बस प्रबल होते चले जा रहा है, और उसमें सामर्थ्य तो है कि आपके जीवन में आए, आपकी परिस्थितियों में लेकर आए, और इसलिए हर तरह की भ्रष्टता जो कि आपको घेरे हुए हैं, और कई बार आप उसे स्वीकार करते हैं या उसके साथ में समझौता करते हैं, और कई बार ऐसी युक्तियां और आदतें होती हैं, और ऐसी बहुत सी आदतें जो आपके जीवन में होती हैं, और अशुद्धताएं जो कि आपको दूर ले जाती हैं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाती है, जो आपको समझौता करने लगाती हैं, और परमेश्वर अपने शासन में किसी तरह समझौता आने नहीं देगा। और इसलिए केवल एक ही मार्ग है कि शैतान उस सामर्थ्य को बेअसर कर दे जिसका आप उपयोग करते चले जाते हैं, और आपके अधिकार को दूर कर दे। उसके लिए बस आपके जीवन में अधर्म लेकर आना है, ताकि फिर से आपके आसपास में ये सारी अशुद्ध आत्माएं काम करती चली जाए। इतनी धूर्तता से इब्रानियों, जिसके बारे में कहता है कि ऐसे अविश्वासी मन न हो,
विश्वासियों में। ये तो उस सामर्थ को बेअसर कर देता है और उनके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ को पूरी तरह दूर कर देता है। और यहां पर गड़बड़ी लेकर आता है, जो कि छोटी छोटी बातों में पूरी तरह से गड़बड़ी लेकर आता है और मानो जैसे कि संसार का अंत होने वाला है। और ये इस तरह से है कि जैसे कि आज भी विश्वासी एक दूसरे के बारे में कड़वाहट रखते हैं। क्या उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है? हाँ, जरूर लिया है। क्या पवित्र आत्मा से भरे हैं? हाँ, पवित्र आत्मा से भरे हैं। क्या वह अन्य भाषा में बोलते हैं, कड़वे हैं? जरूर हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं? वो अनुग्रह को लेकर नहीं चल रहे हैं कि क्षमा करें और भूल जाएं। और कोई शांति नहीं है आपके शरीर में, शरीर में पूरी गड़बड़ी है। खैर, मैं आपको बताऊं, दवाइयों को तो काम करना चाहिए, साइड इफेक्ट के बावजूद भी, लेकिन कुछ दवाइयां काम नहीं करती हैं, क्योंकि आपके शारीरिक देह में कोई भी शांति नहीं है। आपके शारीरिक देह में गड़बड़ी है। धन के बारे में एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, बस ये तो आती जाती है। हम विश्वासियों के बारे में कह रहे हैं, उनके शरीर में कोई शांति नहीं है, बस एक के बाद एक बीमारी आती है। और फिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। ये आपको और ज्यादा चौंका देते हैं, क्योंकि आपने चंगाई नहीं पाई, उन्होंने चंगाई पाई। ये बहुत ही भयानक लगता है आपको, ये अन्याय लगता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपके साथ में खुश नहीं है और आपको इन बातों को समझना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन ये तो बहुत ही सरल है, जिसने प्रार्थना की वो तो अधिकार में था, लेकिन आप अधिकार में नहीं हैं। बस यही है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की वो अधिकार में रहता है। तो परमेश्वर ने वहां पर काम किया। परमेश्वर के राज्य की तीसरी बात है आनंद। हालांकि आपने उद्धार पाया है, न्याजन पाया है, आप आत्मा से भरे हैं, खुशी के गीत आप गाते हैं, खास करके रविवार की सुबह, और आपका परिवार बहुत ही खुश है। प्रभु इसके लिए आशीष दे। और शायद आपके पास में भरपूर पैसा है, बहुत ज्यादा उमड़ने वाला पैसा, उसके लिए प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं। समस्या क्या है? मैंने सोचा कि संतोष सहित भक्ति तो बड़ी कमाई है, लेकिन आप संतोष में क्यों नहीं हैं? आपके प्राण में ऐसी परेशानी क्यों है जिसके कारण आप पूरी तरह संतोष में नहीं हैं? कोई आनंद नहीं है। इन सारी बातों के बावजूद आपने इसी के लिए काम किया था, है ना, कि आप इन सारी बातों को पाए और अंत में आप आनंद भी पाए। लेकिन इन सारी बातों को पाने के बाद में कोई आनंद नहीं है, यानी दुख की आत्मा आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रही है। दुख की आत्मा कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम करती जा रही है। लालच की आत्मा आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रही है। असंतोष की आत्मा आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो काम कर रही है। और निराशा की आत्मा आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रही है। आपके पास में बहुत कुछ है आपके विश्राम के लिए, लेकिन फिर भी आप निराश हैं, असंतोष में हैं। ये समय है कि हम परमेश्वर के शासन के अंदर में प्रवेश करें और उसका अनुभव कर लें। आमेन। ये समय है कि परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले हो जाएं और हर दुष्टात्माओं को निकालते जाएं जो कि अधर्म को लेकर आती है, जो कि हर तरह गड़बड़ी लाती है, जो आपके जीवन में पूरी तरह से ध्यान भटकाने की बात लाती है। लूका अध्याय 11 वचन नंबर 20 में, और यीशु यहां पर कहता है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इसका मतलब है धार्मिकता, शांति और आनंद तो तुम पर आ चुका है, यही इसका अर्थ है। लेकिन मुझे ये वाक्य पसंद है जहां पर वो यदि कहता है, ये कहता है यदि, कहता है यदि मैं, यदि मैं,
मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि नहीं तो, शायद इसलिए कि वो जो कुछ कर रहा है उसके साथ में आप सहमत नहीं हैं, आप अलग रहना चाहते हैं, आप अपनी कड़वाहट में रहना चाहते हैं, अपने भूतकाल में इतने फंसे हुए हैं और आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाले, कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन आप में आए। आप अपनी समस्याओं में बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी समस्या आपकी पहचान बन गई है। अगर आप उन समस्याओं को दूर कर दे तो आपकी कोई पहचान नहीं रह गई है। अगर आपके घुटनों की कोई समस्या है तो किसी तरह से आपके घुटनों की मदद नहीं है, या कोनी की समस्या, या गर्दन की समस्या, या सिरदर्द की समस्या है तो आपके पास में वो आनंद तो नहीं है। कुछ दुष्ट आत्माएं इसी तरह से धूर्तता के साथ काम करती हैं। अगर छोटे से छोटे तरीके से अगर आप वहां पर उन्हें होने की अनुमति दे और उनके साथ में आप प्रबंध कर ले, और आप यहां पर इस तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि ये तो मेरे साथ में होने वाला नहीं है क्योंकि मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर का शासन है, अगर आप व्यवहारिक रूप में यहां पर डॉक्टर के विवरण को देखें, अगर आप यहां पर विज्ञान के पूरे विवरण को देखने के लिए तैयार हैं, अगर आप इन सारी बातों को अपनी समझ के अनुसार लेते जाते हैं और आप परमेश्वर के शासन में काम करना नहीं चाहते हैं जो कि आपके अंदर में है, और आप इच्छा रखते हैं कि बस 30% आनंद रखें और 20% शांति और 40% धार्मिकता रखें, लेकिन मैं यहां पर यह अधिकार रखता हूं, आज सक्रिय करता हूं। आप इस अधिकार को सक्रिय करेंगे। ये सच्चाई कि यीशु ने आपको ऊंचा उठाया है और आपको अपने साथ में बैठाया है, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बहुत ऊपर पर, मुझे गौर से सुनिए, हर एक प्रधानता के ऊपर में और हर सामर्थ के ऊपर, हर एक अधिकार पर, हर एक प्रधानता पर, हर सिंहासन पर, हर एक नाम जो केवल इस युग में नहीं लेकिन आने वाले युग में भी लिया जाएगा। ये सच्चाई कि वो आपको ऊपर रखेगा, सच में वो आपको ये बता रहा है कि आप शैतान की पहुंच से बाहर हैं। इसका मतलब कि उसने उन 70 लोगों से ये कहा जो लूका अध्याय 10 में बाहर गए और उसके पास में वापस आए और उन्होंने कहा, यीशु तू जानता है यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। लूका 10:17 में आइए इस वचन को हम देखते हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, तेरे नाम से। वो तो चौंक गए थे कि दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में हैं, उसके नाम में। उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी, वो तो साधारण से सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में इतना महान अनुभव प्राप्त किया था और उन्होंने वापस आकर कहा कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और उस समय यीशु ने कहा, मैंने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा है ज्योति के समान, लेकिन तुम आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। और फिर उसने कहा कि कुछ भी, उसने कहा, सच में उसने ये कहा कि कुछ भी किसी भी तरह से तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप तक कोई नहीं आ पाएगा। देखिए, आप तक कोई नहीं पहुंचेगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे जितनी भी योजना बनाए आपके पास में नहीं आ पाएंगे, एक के ऊपर एक खड़े हो लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आप उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम उन्हें निकाल सकते हो मेरे साथ बैठते हुए। वो तुम तक नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन तुम उन तक पहुंचकर उन्हें निकाल सकते हो अपने जीवन से और अपनी परिस्थितियों से।
और आपके पास परमेश्वर का शासन है आपकी सहायता के लिए, क्योंकि आप तो काम करने वाले हैं परमेश्वर के शासन में, आपके जीवन में और आपकी परिस्थितियों में, कि परमेश्वर के राज्य को आपके आसपास और हर जगह पर आप स्थापित करते चले जाएं। यही आपके साथ में होता है अगर आप काम न करें प्रभु के राज्य में, तो आप प्रभु के राज्य में देखने वाले हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं? आप बस देखने वाले हैं परमेश्वर के शासन में, बस देखने वाले हैं, आप काम करने वाले नहीं हैं। तो आज आपको मन में ये ठान लेना है, क्या मैं बस केवल ऐसे ही देखने वाला बने रहूंगा? परमेश्वर के शासन का मैंने नयजन पाया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि आपने नयजन पाया है, क्या मैं बस वहीं पर बने रहूंगा कि बस मैं परमेश्वर के राज्य और उसके शासन को काम करते हुए देखते रहूं, या फिर मैं भी उसमें काम करने वाला हो जाऊंगा? आपको आज प्रभु के राज्य में काम करना होगा, परमेश्वर के राज्य में। जानते हैं जो शैतान है वो आपसे इतना डरता है क्योंकि आप प्रभु का राज्य देख सकते हैं, क्योंकि अचानक यहां उसका राज्य प्रकट हो गया है। और यीशु ने इसे प्रकाशित वाक्य में कहा उसके जी उठने के बाद में, यूहन्ना से कहता है कि मेरे पास में चाबियां हैं मृत्यु और अधलोक की, और तुम्हारे पास भी ये हैं, तुम्हारे पास में परमेश्वर के राज्य की चाबियां हैं, और जो भी आप चाहे उसे बांध सकते हैं और ये स्वर्ग में बन जाएगा, और आप जिसे चाहे उसे खोल सकते हैं और वो पृथ्वी पर खुल जाएगा। आप इसमें काम करने वाले हैं परमेश्वर के शासन में, यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर में। और यीशु ने मत्ती अध्याय 16 में इस तरह से कहा है कि मैं तो कलीसिया का सिर हूं, और अधलोक के फाटक तो कलीसिया की उन्नति के विरुद्ध में प्रबल नहीं हो सकते हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकता हूं कि किस तरह से कोई शरणार्थी की मानसिकता को ले सकता है, जबकि आप इस पृथ्वी पर प्रबल होने के लिए बने हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैंने कहा कि मैं ये नहीं समझ सकता कि कैसे मुझे छिपाकर रखने की मानसिकता ले, कैसे शरणार्थी की मानसिकता रखे, जबकि आपके पास में शैतान के राज्य से बढ़कर सामर्थ है। परमेश्वर, यही तो हो रहा है, मुझे तो बस शरण चाहिए, मुझे बस शांत रहना है। मैं जानता हूं कि ये तूफान मुझे डराने के लिए नहीं आया है, ये तूफान तो आपको उत्साहित करने के लिए आया है, क्योंकि आप तूफान के ऊपर में सवार होंगे। आमेन, हालेलुया। ये तूफान आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, इसलिए नहीं कि आप दौड़कर छिप जाएं, क्योंकि आपके पास प्रभु राज्य की चाबियां हैं। ये समय है कि आप परमेश्वर के शासन में काम करने वाले व्यक्ति हो जाएं। तो मुझे पता नहीं आपके घुटनों में कितने समय से परेशानी है, याद है हमने घुटनों के बारे में कहा था? मुझे पता नहीं आपके पेट में कब से ये समस्या बनी है। ये समय है कि हम काम करें परमेश्वर के राज्य में, उसके शासन में। मुझे पता नहीं कितने समय से आपको किसी तरह से थायराइड की समस्या है। ये समय है कि परमेश्वर के राज्य में काम करें। आपके पेट में धार्मिकता, शांति और आनंद होना चाहिए। आपके घुटनों में धार्मिकता, शांति और आनंद होना चाहिए। आपका शरीर तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का राज्य तो आपके अंदर है। तो फिर समझौता कहां पर रह गया है? परमेश्वर ने जो कहा उससे मैं कम कैसे स्वीकार कर सकता हूं? आपको मन में इसे ठान लेना होगा। एक तो आप परमेश्वर के शासन को देखने वाले होंगे, या फिर आप परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले हो जाएंगे। आपको ठानना होगा कि आप किस तरह के विश्वासी हैं। और शैतान उनसे नहीं डरता जो कि बस अपना काम छोड़ देते हैं, शैतान उनसे डरता है जो परमेश्वर के राज्य में काम करते चले जाता है। क्योंकि परमेश्वर का जो शासन है, जब वो काम करता है तो अधलोक के फाटक परमेश्वर के शासन के विरुद्ध में काम नहीं कर सकते हैं।
जब ये आपके द्वारा काम करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सुनिए जरा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप जानते हैं ये लोग वहां पर गए थे, ये 70 लोग लूका अध्याय 10 में वहां पर गए थे। वो कोई बहुत ही महान प्रेरित नहीं थे, वो कोई पास्टर या फिर लीडर नहीं थे, ना ही ये और वो थे। उन्होंने बस यीशु का नाम लिया और उसने कहा तो हमने इसे किया। क्या उसने कहा तो हमने इसे किया है? उसने कहा है तो हमने इसे किया है। ये सबके लिए उपयोगी है जो आखिर तक बैठे हैं, ये उसके लिए भी है जो बीच में बैठे हैं। ये आप सबके लिए उपयोगी हैं। आप में से हर एक के लिए आप अपना हाथ उठा सकते हैं। ये कहता है बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास में हाथ है तो अपने हाथ घुटनों पर रखिए और आप आज ही चंगे हो जाएंगे। इसी समय हम ये नहीं कहेंगे कि ये कभी न कभी हो जाएगा, ये कहें कि अच्छा संदेश था और यहाँ से चले जाए और अगले हफ्ते तक इसके बारे में कहें जब तक दूसरा संदेश ना आए। हम परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे अभी। आमेन। अभी आप लोग जो आखिरी में बैठे हैं और आप लोग जो बीच में बैठे हैं प्रभु के राज्य में काम करेंगे अभी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चाहे जहां भी आपको दर्द है, किसी भी जगह पर आपको दर्द है, या जहां भी दर्द है आप उस जगह पर अपने हाथ को रखिए, अगर आप वहां हाथ रख सकते हैं। और मैं आपके लिए ये कहता हूं, मैं तैयार हूं कि प्रभु का शासन मेरे जीवन में काम करते चले जाए। मैं इसे लेने को तैयार हूं। आपको इसके लिए धार्मिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है। दुष्टात्मा आपकी परिस्थितियों को छोड़कर अभी जा रही है। जैसे आप अपने हाथ रखते हैं अपने पेट पर या फिर अपने घुटनों पर, शरीर के अंग पर, अभी इसी समय उस दर्द से कहिए, उस समस्या से कहिए, चाहे उसका जो भी नाम हो, और उसने कहा है कि उसका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है। चाहे जो भी नाम हो, चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे जो भी रोग हो, चाहे जो भी दर्द हो, अगर उसका कोई नाम नहीं है उसका कोई नाम रखिए और कहिए कि निकल जाए। उसे अभी जाने की आज्ञा दे प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। उसने अंजीर के उस पेड़ से कहा और उसे श्राप दिया और वो जड़ तक सूख गया। वैसे आपका फाइब्रॉइड अपनी जड़ों तक सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको इस अधिकार में होकर काम करना है। आपको काम करना होगा अपने जीवन में परमेश्वर के शासन में। अभी जैसे कि आप इसे कह रहे हैं, वहां पर अपने हाथ रखिए, वहां से बिल्कुल न हटाएं और पवित्र आत्मा आपके लिए काम करते चले जाए। पवित्र आत्मा आपकी ओर से काम करते चले जाए, चाहे जो भी समस्या हो, अभी इसी समय आप उससे कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शायद आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा को आपके ऊपर आते हुए गर्माहट महसूस करें, शायद कुछ लोग महसूस न करें। महसूसीकरण जरूरी नहीं है, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रभावी होते जाए आपकी परिस्थिति में, ये बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हुए खुद पर हाथ रखिए। आप बीमारों पर हाथ रखिए और बीमार चंगे हो जाएंगे। आप तो विश्वासी हैं जो कि प्रवेश कर चुके हैं, जो कि प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर के इस शासन में। और दुष्टात्माएं यहाँ पर नहीं रह सकती हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकती हैं। दुष्टात्माएं वहाँ पर नहीं रह सकती, उसे निकल जाना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसे निकलना होगा, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाना होगा। आपके शरीर के हर एक दर्द को निकल जाना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक परेशानी, हर एक दुष्टात्मा जो परेशानी लाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। दर्द की हर एक दुष्टात्मा, बुरी आत्मा जो दर्द लेकर आती है, निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आप उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें निकल जाना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो अधिकार है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे साथ संगति के लिए आपको न्योता देते हैं कम्युनिटी चर्च ट्विन सिटी में। हर रविवार सुबह 9 बजे की सभा में चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आइए और आशीष पाइए।